1.5 किलोमीटर से रास्ता लेफ्ट कट गया और हमें मिल गया आगे जाम। हम जा रहे हैं दिल्ली, पहलगाम गए नहीं। कितना देखो कितना लंबा है भाई, ये खा जाएगा आधा घंटा घंटा। एक कम से कम 20-25 किलोमीटर की टनल थी। अरे तो उल्टे मनाली में काट दी। करती रहे कर, फिर कर दिया कर दिया मैं किया खेल नहीं होता बेटा, ये होता है इनको इज्जत देना भाई। कम से कम नहीं तो हजारों गाड़ियों का काफिला जा रहा था, फौजी और ट्रक का, और ये जा रहे थे LAC में, लाइन एक्चुअल कंट्रोल। वहाँ पे थोड़ा सा चाइना ठूठा कर रहा था ना, तो उसको अकल सिखाने के लिए लाइन एक्चुअल कंट्रोल पे सारी फौज जा रही थी। कौन कर सारा खा गया ये तो कर 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 ये आ गए भाई चिनानी नर्सरी टनल 9 किलोमीटर की है, और वो तो इससे पहले वाली तो मेरे ख्याल से 20-25 किलोमीटर की होगी।
भाई उधमपुर पहुँचते ही मेरे को आ गई थी नक्सी, नाक से खून आ गए थे, ज़्यादा तो नहीं आए पर हल्के फुल्के आ रहे थे, पर हाँ रुमाल पूरा भी आधा कम से कम भीग गया था। अब ये पता नहीं हाई एटीट्यूड से लो एटीट्यूड में आए इसकी वजह से हुआ है, या एकदम ठंडे एरिए से माइनस डिग्री टेम्परेचर से गर्मी में आ गए इस वजह से हुआ था। मेरे ख्याल से कुछ एटीट्यूड का प्रॉब्लम था, ऊंचाई से एकदम ऊंचाई में आ गए ना, वहाँ तो ऑक्सीजन की भी कमी थी। यहाँ पे ये भाई उधमपुर की सीमा समाप्त हुई, रोड तो अभी तक सही आए हैं सारे, दिल्ली यहाँ से रह गया 600 किलोमीटर। यात्रा टिकट नहीं मिली है, यात्रा टिकट 19 तारीख तक की बुक थी, 20 को मिल गई थी, फिर वो 20 काफ़ी डेट हो जाती है और बिना यात्रा टिकट के एंट्री नहीं होती और ना ही हेलीकॉप्टर की टिकट होती, तो इसलिए हमने मनाली का प्रोग्राम बना लिया था, नहीं तो हम तो वैष्णो देवी रहते पर माता का बुलावा नहीं आया, फिर कभी आएंगे जब माता बुलाएगी। वैष्णो देवी सिर्फ जब जाया जाता है जब माता का बुलावा है, अन्ना अभी हम कटरा होते हुए वैष्णो देवी होते हुए ही जा रहे हैं, प्रदर्शन नहीं हो रहे। श्रीनगर से भाई हम जब दिल्ली आ रहे थे तो हम आए थे नॉन स्टॉप, कहीं स्टे नहीं किया था रात में, मतलब तो आना कि एक दो जगह चाय पी थी और 1.5 घंटा हमारा वहाँ पे कट गया था जहाँ फौजियों का काफिला जा रहा था, आधा घंटा वहाँ पे पहलगाँव के वहाँ पे जो फ्लाईओवर पे जाम लग रहा था वहाँ लग गया था, और आधा घंटा 45 मिनट खाने में भी लग गया होगा, मतलब 1-2 घंटे इसमें इन्वॉल्व कर लो। GPS ने हमें 19 घंटे का सफ़र बताया था दिल्ली तक आने का, 17 घंटे में गाड़ी लगा दी थी, 12 बजे चले थे और 4:45 बजे सुबह घर पे जाम। वैसे होटल से चले थे हम सुबह 10 बजे, अगर 2 घंटे जाम के काट दो तो 12 बजे, 12 से 5, 17 घंटे टू दिल्ली, श्रीनगर टू दिल्ली। राम लड्डू टाइम, लखनपुर यहाँ से 2 किलोमीटर रह गया, यहाँ पे राम लड्डू वाले दिखे थे तो सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए, क्यों भाई सही बोल रहा हूँ ले।
हाँ भाइयों, मेरे को आ रही थी नींद, तो मैंने बच्चों से कहा, मैंने कहा बच्चों आप करो टी ब्रेक और जब तक मैं सोता हूँ। यहाँ पे मैं 15-20 मिनट सोया था, जब तक इन्होंने टी ब्रेक लिया, उसके बाद मुँह धो के फिर रेडी टू गो।